नाम है गुरदास शर्मा, मैं यहाँ पे इंगोरिया गांव में आया हूँ। तो इस खेत में मैंने भाई साहब के मैं 60 बीघा में प्रेरक से ट्रीटेड कराया है, तो उसका बहुत अच्छा रिजल्ट आया। पूरे खेत अच्छा लग रहा है, हरा भरा है पूरा खेत, कहीं से लेके कहीं तक कोई दिक्कत नहीं है। पत्तों में अच्छी चमक है, फुटान भी बहुत अच्छा, ग्रोथ अच्छा कर रहा है। अभी अपने फार्मर हैं, उनसे बात करते हैं। नमस्कार भाई साहब। नमस्कार। मेरा नाम है गुरदास शर्मा, मैं लोकेन्द्र सिंह चौहान। गांव का अपना गांव कौन सा है? इंगोरिया। इंगोरिया गांव है अपना। ये किस डिस्ट्रिक्ट में आता है? ये उज्जैन जिले में, बड़नगर तहसील है। हाँ हाँ। तो अपन ने ये कैसे उपचार किया था? ये महिको का प्रेरक लिया था सर, उससे किया था। तो इसका कैसा रिजल्ट लगा आपको? बहुत बढ़िया है। जर्मिनेशन कैसा आया इससे? बहुत अच्छा आया। आप इससे और अपने पत्ते, जैसे अपन पत्ते देखते हैं तो पत्तों पे कितनी चमक है इसकी। जी जी। और अपने जैसे ग्रोथ देखते हैं तो इसका ग्रोथ देखिएगा कितना अच्छा ग्रोथ है, आप भी देखिएगा भाई साहब। अभी सोयाबीन अपने कहता है कितने दिन के, यानी कब बोई थी अपने सोयाबीन? ये 16 जून को बोई हुई है। जब 16 जून को बोई थी सोयाबीन? एक महीना हुआ अभी। एक महीना हुआ जी। तो आपको ये अपना प्रेरक सोया कैसा लगा? अच्छा है सर, अच्छा। अच्छे रिजल्ट हैं इसके जी जी। तो आप अगले साल भी करोगे गेहूँ में? बिल्कुल करेंगे सर। और भी फार्मरों को बताओगे आप? बताना है ना जी, अच्छी चीज है, जरूर रिकमेंड करेंगे। ठीक ठीक। आपको क्या अंतर समझ में आया आपके, आपकी भाषा में? की बार सोयाबीन अच्छा लग रहा है सर, ठीक है, चमक अच्छा आ रहा है इसमें, फुटाव भी है, हाइट भी अच्छी हो गई है, और कहीं से भी उसमें अभी वो ऊसुक वगैरह की कहीं शिकायत उगने के बाद नहीं आई थी। बढ़िया रहा सर, उगने में भी अच्छा रहा, बीज जो हम बहुत कम डाला था हमने उसके बाद बहुत अच्छा रहा रिजल्ट उसका, जर्मिनेशन। हमने प्रेरक सोया पहली बार यूज़ किया कि पहले भी किया है? पहली बार। एक जड़ निकाल के देखेंगे। ये देखिए निकालने की कोशिश कर रहे हैं, इसके नेडुल्स देखिए, जड़ पूरी निकली नहीं है, बहुत ताकत से निकाली है। ये देखिए,